इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। माय चैनल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रेंड्स, फुल गेयर वाला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको। तो जी फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। तो 2 मीटर फैब्रिक से मैं आपको फुल गेयर वाला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको बनाना सीख लेते हैं फुल गेयर वाले अम्ब्रेला प्लाजो को फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है। तो पेपर पे मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और पेपर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लिया है फ्रेंड्स। 2 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसको एक कोने से 4 फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से मैं यहाँ पे इसका कोना लूंगी और इस तरह से 2 फोल्ड कर दिया है मैंने इसको। अब 2 फोल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे 4 फोल्ड कर दूंगी इस तरह से कोने को फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है। अब मैं इधर की साइड से इसको इस तरह से रख लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपन करने के बाद ही हमारे पेपर की लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स। अब 4 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऊपर वाली साइड है हमारे पेपर की और ये इधर से नीचे वाली साइड है। अब सबसे पहले मैं इसकी हिप राउंड को मार्क करूँगी। तो यहाँ पे आपको कमर का मार्क नहीं लेना है, आपको अपना हिप राउंड लेना है जितना भी आपका साइज है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है। अब मैं ऊपर से इस तरह से रखूँगी और हल्का सा मैं इसको राउंड शेप में इस तरह से मार्क कर दूंगी। तो मैंने इसको राउंड शेप में इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नीचे में मार्क कर लूंगी। जितना बड़ा आपको प्लाजो चाहिए आप उसी के हिसाब की इसकी लेंथ लें। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको ले लिया है फ्रेंड्स 5 इंच पे और 5 इंच पे रखते हुए मैं इसको मार्क कर लूंगी। पूरे घेरे को आपको 5 इंच पे रखते हुए ही मार्क करना है। इस तरह से फ्रेंड्स सर्कल टाइप आपको इसको मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इसको इस तरह से सर्कल टाइप मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दूंगी मार्क को इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसकी आसन को मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको 2 इंच की आसन रख लूँगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो इस तरह से बाहर को रखूँगी मैं, ऊपर से अंदर को रखते हुए यहाँ पे मार्क कर दूँगी मैं। अब इसके बाद मैं इसको राउंड शेप दूँगी बीच से इस तरह से फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्रोच एरिया को भी मार्क कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कटिंग कर दूँगी जहाँ जहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क किया है। तो सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको फैब्रिक पे करना है, अपने साइज़ की अपने अकॉर्डिंग से आपको इसकी लेंथ रखनी है और जितनी भी आपको इसकी मतलब आसन वगैरह चाहिए तो आपको इतना ही रखना है सब कुछ साइज़। और इसी तरह से आपको इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से ये हमारा प्लाजो यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसकी बेल्ट कटिंग कर लूँगी ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से ले लिया है फ्रेंड्स, इसको मैं कर लूँगी 2 फोल्ड। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जितनी हमने इसकी हिप राउंड रखी थी यहाँ पे इसी के साइज़ की मैं इसकी बेल्ट लूँगी। तो 6 इंच की मैंने बेल्ट ले ली है फ्रेंड्स, उसको 3 इंच का रखा था। तो हमारी जो बेल्ट है ये ओपन है तो मैंने इसको 6 इंच ले ली है। ये 4 फोल्ड था फ्रेंड्स, ये 2 फोल्ड है तो मैंने इसको इस तरह से 6 इंच की ले ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरह से बेल्ट को कटिंग कर लिया है। 2 इंच इसकी विड्थ ली है और 6 इंच इसकी लेंथ ली है मैंने। तो ये बेल्ट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स सेम इसी तरह से मैं फैब्रिक पे आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह से सर्कल टाइप फ्रेंड्स यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। ये हमारी ऊपर वाली साइड है फ्रेंड्स इधर से, और इधर से ये नीचे वाली साइड है फैब्रिक की। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हिप राउंड का मार्क कर लूँगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, आपको
अपनी कमर का नाप नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे हिप राउंड की नाप लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे रख दिया है हिप राउंड को। अब मैं ऊपर से इंची टेप को रखूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो ऊपर से यहाँ पे ये आ रहा है 12 इंच, तो मैं 12 इंच पे इस तरह से रखते हुए इसको मार्क कर लूंगी हल्का सा राउंड शेप में, बिल्कुल हल्की सी आपको राउंड शेप देनी है फ्रेंड्स इसमें। तो अब इस मार्क को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डार्क कर दूंगी इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे की लेंथ रख लूंगी प्लाजो की, जो भी हमारी लेंथ है। तो इस तरह से मैं इसकी लेंथ रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे 35 इंच। तो 35 इंच मेरे प्लाजो की लेंथ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी लेंथ है। तो 35 इंच पे रखते हुए मैं फुल घेरे को फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क कर लूंगी इस तरह से, सर्कल टाइप में मार्क कर लूंगी फुल घेरे को सेम इसी तरह से। 35 इंच पे ही मार्क करना है आपको सारे में से, कहीं से कम कहीं से ज्यादा नहीं रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो आपका जो प्लाजो है उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको 35 इंच पे इस तरह से रखते हुए मार्क कर लिया है प्लाजो को। अब मैं इसको डार्क कर दूंगी नीचे से इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसको डार्क कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसको नीचे से इस तरह से कटिंग कर दूंगी, जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं वहीं से मैं इसको कटिंग करूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको ऊपर से भी कटिंग कर दूंगी, नीचे से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऊपर से भी इसको कटिंग कर दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब मैं आसन का मार्क लूंगी, तो आसन रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 10 इंच। ऊपर में मैं बेल्ट भी लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं इसको 2 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया है आसन को, ऊपर से इस तरह से रखूंगी और नीचे से बाहर को। अब बीच से मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको भी कटिंग कर दूंगी। तो जी फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है क्रोच एरिया को भी। तो हमारा प्लाजो यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो गया है। अब मैं बेल्ट को कटिंग कर लूंगी। तो बेल्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और ऑलरेडी इसको मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है बेल्ट को इस तरह से फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको 2 फोल्ड करके रखा है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट की जो विड्थ ली है वो ली है मैंने 4 इंच, और इसकी जो मैंने लेंथ ली है फ्रेंड्स वो ली है मैंने प्लाजो के अकॉर्डिंग, जितना मैंने प्लाजो को रखा था ऊपर से फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्लाजो कटिंग होकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो स्टिचिंग करने के लिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से रख लिया है, और मैंने इसको इस तरह से फोल्ड सा करके रख लिया है क्योंकि ज़्यादा घेर वाला प्लाजो है। और यहाँ पे एक दूसरे का सीधा मुँह अंदर की साइड कर दिया है मैंने फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक साइड की आसन को स्टिचिंग कर लूँगी, इधर की आसन को और उधर की आसन को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, एक साइड से मैं इसको स्टिचिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने एक साइड से इसको इस तरह से स्टिचिंग कर लिया है। अब मैं इसको ओपन कर लूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पर इसको रखा है फ्रेंड्स उल्टा, उल्टी साइड से मैंने इसको रख लिया है। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बेल्ट ले लूँगी, बेल्ट को मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी, 1/2 इंच का गैप देते हुए मैं पूरे राउंड पे इस तरह से लगा दूँगी बेल्ट को और स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स मैंने इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है बेल्ट को, और इसको रख लिया है मैंने सीधा प्लाजो को इस तरह से। अब बेल्ट को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सीधे की साइड पर फोल्ड करूँगी इस तरह से, बारीक बारीक सा अंदर डबल फोल्ड करते हुए मैं इसको किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स। पूरी बेल्ट को मैं इसी तरह से स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट को इस तरह से स्टिचिंग कर दिया है सीधे की तरफ को फोल्ड करते हुए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसमें फिनिशिंग आई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक की लेंथ ली है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ली है इसकी लेंथ 25 इंच इस तरह से फ्रेंड्स। तो प्लाजो से मैंने इसको इतना कम रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको इलास्टिक लेनी है। और यहाँ पे मैं इसको ले लूँगी फ्रेंड्स, आपको इस तरह की कोई भी चीज़ ले लेनी है या पिन वगैरह भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये चिमटी सी ले ली है फ्रेंड्स, और इसमें मैं इस तरह से इसको अटैच करते हुए यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर दूंगी इस तरह से बेल्ट में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बेल्ट को इस तरह से इसमें अटैच कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से आपको इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बीच बीच में इसको स्टिचिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स इस तरह से खींचते हुए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इलास्टिक को खींचना है अपनी तरफ को, और पीछे से भी आपको इसको खींचना है पीछे की साइड को, और खींचते हुए बिल्कुल बीच बीच में आपको इसको स्टिचिंग लगानी है काफी फिनिशिंग के साथ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको इसको रेडी करना है, कहीं भी झोल ना आए, और आपको इसको खींचते हुए ही स्टिचिंग लगानी है बिल्कुल बीच बीच में फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको खींचते हुए इलास्टिक को इसमें स्टिचिंग लगा दी है, और आप देख सकते हो हमारी जो इलास्टिक है इसमें काफी अच्छी फिनिशिंग भी आई है। कितनी अच्छे से हमारी जो इलास्टिक है फ्रेंड्स इसमें अटैच होकर रेडी हुई है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बीच बीच में स्टिचिंग लगा दी है, और देख सकते हो आप इलास्टिक बिल्कुल उल्टी तरफ से भी फ्रेंड्स यहाँ पे सेम इसी तरह से नजर आ रही है, दोनों साइड से सेम लग रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और इधर वाली आसन को सेट करके इस तरह से रख लूँगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इधर वाली आसन को भी स्टिचिंग लगा दूंगी। तो जी फ्रेंड्स मैंने इधर वाली आसन को भी स्टिचिंग लगा दी है। अब मैं इसको इस तरह से ओपन करके रख लूँगी। तो मैंने इसको इस तरह से रख लिया है फ्रेंड्स अच्छे से सेट करते हुए। अब यहाँ पे मैं इसकी लोजिंग की स्टिचिंग करूंगी, और जो आसन की फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये दोनों सिलाई है इनको दोनों को आपको एक जगह सेट करके रखना है और इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे से इसको इस तरह से बारीक बारीक सा फोल्ड करते हुए पीको करूंगी।
तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे बारीक सा फोल्ड करते हुए स्टिचिंग भी लगा सकते हो। तो मैं इसको पीको करूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसकी लूजिंग की स्टिचिंग कर दी है और नीचे से मैंने इसको पीको कर दी है बारीक बारीक से इस तरह से। तो काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा जो प्लाजो है ये रेडी हुआ है फ्रेंड्स। इस तरह से आप पीको भी कर सकते हो या फिर आपको इसको स्टिचिंग भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो इलास्टिक की भी फिनिशिंग काफी अच्छी है ये, और हमारा जो प्लाजो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टिचिंग होकर रेडी हो गया है और कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारा फुल रेडी प्लाजो। तो जी फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ इसकी कुर्ती की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।